हाय दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर चैनल के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के अपने इस वीडियो एपिसोड में हम एक्सेल के कुछ बेसिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, टैब के बारे में, रिबन, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार और स्क्रॉल बार के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सेल में ये जो टूल बार होती है, इसको हम क्यूएटी या क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसमें वो कमांड्स होती है जिनको हम बार बार यूज करते हैं। ये फुल्ली कस्टमाइज होती है। हम अपने अकॉर्डिंग जो भी कमांड या फीचर बार बार यूज कर रहे हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें अनडू, रीडू, सेव, ओपन और ऑटोमेटिकली सेव, ये सारे बटन्स अवेलेबल होते हैं, ये सारी कमांड अवेलेबल होती है। पर हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कमांड हमको चाहिए उसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ इसका इंट्रो दे रहे हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम इसको डिटेल में बताएंगे कि कोई कमांड आपको अगर क्यूएटी से रिमूव करनी हो तो कैसे करोगे, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई कमांड इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। अब हम बात करते हैं टैब्स के बारे में। तो सबसे ऊपर रिबन में आपको जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये शो हो रहे हैं, ये टैब्स हैं। एक्सेल के जो पुराने वर्जन होते थे उनमें ये टैब अवेलेबल नहीं होते थे, उनमें मेन्यूज होते थे और उन मेन्यू पे क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती थी, जिसमें से आप जो भी फीचर या जो भी कमांड आपको यूज करनी है वो वहां से हम यूज कर सकते थे। पर जो अब नए वर्जन आए हैं एक्सेल के, इनमें ये टैब्स होते हैं और एक टैब के अंदर काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, और इन ग्रुप्स के अंदर सिमिलर टाइप की जितनी भी कमांड है वो एक जगह माइक्रोसॉफ्ट ने अब हमको प्रोवाइड कर दी है। जैसे ये अलग अलग होम टैब के अंदर ग्रुप्स है, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। तो अगर फॉन्ट ही ग्रुप की हम बात करें तो इसमें वो सारी कमांड्स अवेलेबल है जो हम फॉन्ट पे अप्लाई करेंगे। जैसे बोल्ड कमांड अवेलेबल है, इटैलिक, अंडरलाइन करना है हमें किसी टेक्स्ट को, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो ये सारे ऑपरेशन सिमिलर टाइप के हैं, तो इसके लिए उन्होंने हमें एक ग्रुप बनाकर दे दिया है। तो अगर आप इन ग्रुप्स को ध्यान से देखें तो कुछ ग्रुप्स के लास्ट में एक आइकन बन के आ रहा है और कुछ के लास्ट में नहीं। तो वो ग्रुप जिसमें सारी कमांड यहाँ पर शो नहीं की गई है, उनके लास्ट में ये आइकॉन बन के आता है, जिस पर क्लिक करने पर इस ग्रुप में जितनी भी कमांड्स है वो सारी हमें शो हो जाएगी एक नए डायलॉग बॉक्स में। और इस डायलॉग बॉक्स में जो कमांड वहां पर अवेलेबल है वो तो शो कराएगी ही, साथ ही आपको काफी सारी और कमांड्स भी शो हो जाएगी जो उस ग्रुप के अंदर शो नहीं हो रही होगी। अब हम बात करते हैं रिबन की। एक्सेल में रिबन क्या होता है? तो वो एरिया जिसमें ये टैब्स और ये कमांड्स शो हो रही है, इस एरिया को हम रिबन बोलते हैं। आप चाहें तो इस रिबन को हाइड कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी रिबन में कमांड है वो हाइड हो जाएगी। अनहाइड करना है तो हम कंट्रोल F1 की प्रेस कर लेंगे। हाइड करना है उसके लिए भी कंट्रोल F1 की हम प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल F1 की प्रेस करके अनहाइड नहीं करना चाहते तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें अगर आपको टैब्स एंड कमांड दोनों शो करानी है तो हम शो टैब्स एंड कमांड पर क्लिक कर देंगे तो हमारे टैब्स और कमांड दोनों शो होने लगेगी। अगर सिर्फ टैब्स शो कराने हैं तो हम शो टैब्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एक और चीज, अगर टैब्स और कमांड्स दोनों ही हाइड करना है, मतलब आपको रिबन को ही हाइड करना है, तो आप ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करें, जिससे हमारा एक्सेल फुल स्क्रीन हो जाएगा। और जब ये जो छोटी सी हमारी एक बार शो हो रही, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिबन है वो शो होने लगेगा, और जैसे हम किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिबन हाइड हो जाएगा। अभी के लिए हम अपने रिबन को शो करा देते हैं और रिबन में हम टैब्स और कमांड्स दोनों को शो कराते हैं।
ऑलराइट दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर है ना? अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। अब हम नेम बॉक्स के बारे में जानते हैं। सो ये जो हमारा छोटा सा एक बॉक्स है, ये नेम बॉक्स होता है। इसमें हमारी सीट में जो भी सेल एक्टिव है उसका एड्रेस यहाँ पर शो होता है नेम बॉक्स के अंदर। जैसे अभी हमारा जो एक्टिव सेल है वो A1 है, तो यहाँ पर A1 शो हो रहा है। अगर मैं H4 सेल एक्टिव करता हूँ तो आप देखो अब नेम बॉक्स में H4 लिखकर आ रहा है। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप माउस से इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं, आप किसी सेल पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें B1 सेल पर जाना है, तो यहाँ हम B1 लिखेंगे, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, तो आप देखिए हमारा B1 सेल एक्टिव हो गया है। एक काम और आता है नेम बॉक्स, नेम रेंज के काम आता है। हम नेम रेंज को इसमें डिफाइन कर सकते हैं, और अगर कोई नेम रेंज हमारी मतलब एक्टिव होती है तो वो इसको भी शो करता है इस नेम बॉक्स में। नेम रेंज क्या है, उसका यूज क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोज में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि नेम रेंज क्या है, आपके लिए नया है, तो अभी आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। आगे हम आपको बहुत अच्छे से नेम रेंज के बारे में पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मूला बार। ये जो हमारी बार है इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। जब भी एक्सेल में हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला है कॉलम नाम का, इसको मैं इस सेल में लगाता हूँ। कॉलम फॉर्मूले का काम ये होता है कि जिस भी सेल में इसको लगाया जाता है उस सेल का कॉलम नंबर हमको ये रिटर्न कर देता है। सो अगर आप यहाँ देखें तो कॉलम फंक्शन का जो रिजल्ट है वो हमें उस सेल में शो हो रहा है जिसमें हमने उस फंक्शन को लगाया है। पर अगर हमें चेक करना हो कि इस सेल पर हमारा क्या फॉर्मूला क्या फंक्शन लगा हुआ है, तो वो हमें फॉर्मूला बार में ही शो होगा। और अगर आपने कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला अपने सेल में लगाया हुआ है और वो एक लाइन में आपको शो नहीं हो रहा फॉर्मूला बार में, तो फॉर्मूला बार में सबसे लास्ट में एक ये आइकॉन बन के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्मूला बार को बड़ा कर सकते हैं, और दोबारा से क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार हमारी छोटी हो जाएगी। यहाँ तक सब क्लियर है दोस्तों? अब हम देखते हैं स्क्रॉल बार को। एक्सेल में हमारी दो स्क्रॉल बार होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसका यूज हम सीट में राइट या लेफ्ट जाने के लिए करते हैं। तो अगर आपको राइट जाना है तो इस स्क्रॉल बार को पकड़ के आप राइट में कर दीजिए, लेफ्ट में आना है तो इस स्क्रॉल बार को पकड़ के हमें लेफ्ट में करना है। या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के एंड में ये एक बटन है, राइट में जाना है तो इस पर क्लिक करते जाएंगे, और अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो या हॉरिजॉन्टल वाली स्क्रॉल बार को पकड़ के लेफ्ट में कर दीजिएगा, या ये जो बटन है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर, इस पर क्लिक करके भी आप लेफ्ट में जा सकते हैं। स्क्रॉल बार को अगर आपको बड़ा करना है तो स्क्रॉल बार के साइड में ये 3 डॉट मिलेंगे, इसको आप पकड़ेंगे और फिर जितना आपको स्क्रॉल बार को बड़ा करना है लेफ्ट में उसको ले जाएंगे, छोटा करना है तो इसको राइट में ले जाके आप छोड़ देंगे। इसी तरह हमारी ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, इसका यूज हम एक्सेल की सीट में ऊपर या नीचे जाने के लिए करते हैं, और नीचे जाने के लिए जो हमारी ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है इसमें एक जो नीचे वाला बटन है इस पर क्लिक करके हम नीचे जा सकते हैं, और ऊपर जाना हो तो या तो हम वर्टिकल वाली स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर कर देंगे, या फिर जो ऊपर की तरफ वर्टिकल स्क्रॉल बार में ये बटन है इस पर क्लिक करके भी हम एक्सेल की सीट में ऊपर जा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम एक चीज और सीख लेते हैं, वो है हमारी ये सीट जो है हमारी सीट टैब, इनके बारे में सीख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे एक्सेल के न्यू वर्जन है इसमें 1 सीट अवेलेबल होती है। अगर आपको एक से ज़्यादा सीट इसमें ऐड करनी है तो जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करके आप जितनी मर्जी उतनी
सीट इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी एक्सेल की फाइल में बहुत सारी सीट अवेलेबल है और आप देखना चाहते हैं कि कितनी सीट हमारी इस वर्कबुक में अवेलेबल है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको ये दिख रहे हैं ना दो, जो ये छोटे छोटे से आइकॉन है, इस पे जाएंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें जितनी भी सीट हमारी एक्सेल की फाइल में अवेलेबल है वो शो हो जाएगी। और अगर किसी भी सीट पर आपको जंप करना है तो उस पर आप डबल क्लिक कर देंगे। ऐसे हम सीट टू पे जाना चाहते हैं, सीट टू को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सीट टू पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए सीट टू हमारी एक्टिवेट हो गई है। एक चीज और हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि जैसे अभी आप कोई नई फाइल एक्सेल की क्रिएट करते हैं तो एक सिंगल सीट ही अभी आपकी शुरू में वहां पर अवेलेबल होगी। जैसे मैं अभी कंट्रोल एन की यहाँ पर प्रेस करके एक नई फाइल ओपन करता हूँ तो आप देखोगे सिंगल सीट ही हमारी एक्सेल की इस न्यू फाइल में अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सेल की नई फाइल क्रिएट हो तो उसमें दो तीन चार जितनी भी सीट आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट इतनी सीट अवेलेबल हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा फाइल में, उसके बाद जाएंगे आप मोर में और फिर आपको जाना है ऑप्शंस में, ठीक है। इसमें जनरल वाला जो आपका टैब है इसके अंदर व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स के अंदर जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है इंक्लूड दिस मैनी सीट्स, इसको बढ़ा देंगे जितना आप इसका काउंट रखेंगे। जैसे हमने अभी चार इसका काउंट कर दिया है, उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करें और एक नई फाइल अब हम क्रिएट करते हैं कंट्रोल एन की प्रेस करके, तो आप देखेंगे इस बार जो नई हमारी फाइल क्रिएट हुई है उसमें बाय डिफॉल्ट फोर सीट्स अवेलेबल है। और अगर आपको वापस से चेंज करना हो इसको तो हम दोबारा से फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे और जनरल टैब के अंदर इंक्लूड दिस मैनी सीट्स को हम वन करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और अब कंट्रोल एन की प्रेस करें तो आप देखिए नई फाइल क्रिएट हुई तो उसमें एक सिंगल सीट ही अभी अवेलेबल है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।